हिम्मत नहीं थी, लेकिन हाँ भाई अमृतसर आए हैं, बाबा जी के दर्शन नहीं करेंगे तो भैया क्या फ़ायदा अमृतसर आने का। तो भाई पीछे पुलिस खड़ी है, रोक लिया चेकिंग के लिए। भाई साहब पूरी खतरनाक चेकिंग चल रही है, बढ़िया लेवल पे। तो भाई कुछ लोगों के दिमाग में होता है ये, लेकिन आज तो रोड में भी दिख गया हमें। कौन है वो दोस्त जिसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है? भाई पूरी चेकिंग, डिग्गी शिक्की भी खोल दी अपनी गाड़ी की। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जब तक इलेक्शन है तब तक हर गाड़ी की रोक रोक के चेकिंग, जो थोड़ी सी अलग दिख रही है। तो भाई स्वागत है खन्ना भाई की जिंदगी के एक और नए हसीन दिन में। आज के दिन की जो शुरुआत हुई है ना 5:48 पे हुई है। एकदम नहा धो के रेडी हूँ, रूम में अभी अकेला हूँ क्योंकि भाई तीन बंदे लेट चल रहे हैं, मैं, कमल भाई, हैप्पी भाई और उनके जीजू, आई थिंक चार हो गए हम, बाकी आधे चार जा चुके हैं पहले। तो भाई मौसम देख के आपको पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि भाई सुबह ना अर्ली अर्ली आज आपका करना भाई उठ चुका है और नहा भी चुका है, रेडी भी हो चुका है, एकदम हेड टू टो। थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ अगर मैं सच्ची वाला बताऊँ ना, तो अभी टाइम हो रहा है 5:49। होता ना कि नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत नींद मिल जाती है तो भाई ऐसा मन हो रहा होता है कि भाई सो जाओ। भाई आधे बंदे निकल चुके हैं टूवर्ड्स हरिमंदर साहब जी, एंड अपने कमल भाई, मैं, सैबी भाई एंड उनके जीजू, हम यहीं पे रह गए हैं। मैं रेडी हो गया हूँ, भाई लोग भी रेडी हो रहे हैं और हम निकलेंगे सीधा बाबा जी के दर्शन करने। फॉर्चुनर लेकर आए ना अपनी, तो भाई आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड मस्त था भाई। मैं कहा यार बाइक से तो आ चुके हैं लेकिन फॉर्चुनर है। बाकी हाँ जी मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है। चलो जी आइस चलो प्लीज़ भाई, खुफिया रास्ते से बाहर निकल रहे हैं आज तो। उठ जाओ भैया जी, बहुत लेट हो रहा है। गाइस देख लो भैया, बाकी लोग कैसे निकले हैं फिर? वो नीचे गड्डी चुके हैं ना। 6 बज गए गाइस, जान दो भैया हमको भी प्लीज। क्यों ऐसे मत करो भैया, सुबह से मत करो यार ऐसे। ओ पीछे स्टैंड में पैर रख लो भाई, हमें तो ऑटो मिला नहीं पाजी, ऐसे निकल गए भाई, हमें बैठा लो यार। गाइस प्लीज एक एक करके छोड़ाएगा ना भाई। बाय वो कह रहा है संडे नहीं है, वो तो जा रहा है। मंडे है यार आज, क्या कर रहे हो? आज करोल बाग की छुट्टी है, भूल गए हो क्या? चलो जी भाई मिल गया हमें रिक्शा। चलो जी सीटें बड़ी सही लगवा रखी हूँ। तो जी बाबा जी के दर्शन करके हम पहुंच चुके हैं, कुछ खाने, बहुत सारी बातें करनी है अभी आपसे, एक बार करेंगे पहले कुछ खा लें यार। पहलवान कुलचा शॉप है सैबी बाजी, हाँ जी, फेमस फेमस बहुत फेमस, वेरी फेमस, यस, मच मोर बेटर देन कुलवंत कुलचा। और तो जी छोले आ चुके हैं और ये हमारे कुलचे, कुलचे भी आ गए लेकिन अपने भाई नहीं आए। सो जी आ चुके हैं वापस होटल और खाना पीना हमने खा लिया, यहाँ हमारी डिग्गी खुल चुकी है, सामान डालेंगे, करेंगे सामान वगैरह सेट, सीटों को ऊपर चढ़ा दे क्या? बाकी यार मैं पता क्या कह रहा था आज ना, एक चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था बाजी, एक चीज मैं डिस्कस कर रहा था ना, मैं कहा यार गुरुगर एक टाइम पे आते थे कुछ नहीं हुआ करता था, ये हर किसी के साथ है ना, बिल्कुल धीरे धीरे लाइफ आगे जाती है। उससे पहले इंडिका में आए थे, देखो स्कॉर्पियो में आए, मैं आया था एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, फिर जब आया तब बाइक थी एक छोटी, धीरे धीरे धीरे, फिर 900 थी एक टाइम पे, जब आया कुछ ना कुछ दिया भगवान, कुछ ना कुछ दिया, लिया नहीं दिए ही। और इस बार तो देखो यार आज से ऊपर चीज है, ऊपर ही बहुत नेक्स्ट लेवल, इमेजिन नहीं करी थी पाजी यार ये लाइफ, बट हां यार ऊपर वाले ने जो दिया ना औकात से ज्यादा दिया। बाकी यार गाड़ी गर्म कर लेते हैं अपनी, और अभी तो सच बोल रहा हूँ यार मैं तो फुल रेडी हूँ, इसको बहुत क्रेजी कर रहे हैं भाई अपने फॉर्च्यूनर को, भाई नाम में ही दम है गाड़ी के, फॉर्च्यूनर। सो जी ये बैग आ गया, ये बैग आ गया, ये हमने शॉपिंग करी है यहाँ से, ये भाई के कपड़े, यही है भाई बस। बाकी यार हम लोग रुके थे लॉरेंस रोड के ऊपर और सबसे आगे डिफेंडर, फिर पीछे स्कॉर्पियो एन, और ये हमने अपनी फॉर्चुनर भी लगा दी इनके साथ साथ ही। एंड जम्मू पहुँचने में ना हमें 4-4.5 घंटे लगेंगे, मीटअप का टाइम वैसे 1 बजे था लेकिन 11 यहीं पर बच चुके हैं। बाकी यार यहाँ पे ना कि हीरा पनीर वाला बड़ा फेमस है, बड़े उसके यूट्यूब पर ब्लॉग्स वगैरह बनते रहते हैं, यहाँ से वैसे हमें लेना लेफ्ट 4:38 दिखा रहा है वैसे एग्जैक्टली यहाँ से। बाकी जी मौसम ना अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मीला हो रहा है, दर्शन करके सच्ची बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा लगा,
था भाई कि गाड़ी के अंदर आया है, गाड़ी को लेके जाएंगे, बट हाँ कोई बात नहीं है। लेकिन यार यहाँ तक भी आ गए वो भी इनफ है अपने लिए। खुद ने दर्शन कर लिए, ब्लेसिंग्स ले लिए जिंदगी की बहुत सारी, अपने प्यारों के लिए भी ले लिए। बाकी यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक काम जरूर से करा करो, कमेंट करा करो एक प्यारा सा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक प्यारा सा कमेंट और कुछ नहीं गाइस। आपको जो करना करो, एक कमेंट जरूर कर दो बस साथ के साथ ना। होगा उससे क्या कि भाई अच्छा रिस्पांस मिलेगा यार कमेंट्स में ना, तो भाई मेरे को भी सुन के देख के पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस इतना सा काम भाई जो आप करना भाई के लिए कर सकते हो। बाकी रेड लाइट है और 223 किलोमीटर है एग्जैक्टली गाइस यहाँ से एग्जैक्टली। सो जी अपनी गाड़ी में ना डीजल अभी दिखा रहा है 150 किलोमीटर की रेंज, तो मैं कहा जी फटाफट ना डीजल फुल करा लेते हैं भाई। मैंने हरा पाइप देखा एक बारी को भैया इसे नीला कर लो यार। सो जी डीजल आया अपनी गाड़ी में क्लोज टू 5,000 रुपये का। भाई उनकी गाड़ी में कौन सा डीजल है, तो चलाइए। तेरी कितनी रेंज दिखा रही थी? 75 किलोमीटर। मेरी अभी 150 दिखा रही थी। सीएनजी है क्या? हाँ एलपीजी। ऐसी कैसे एवरेज दे रही, बढ़िया दे रही है यार। सही में? सही में अच्छी दे रही है। मेरे को लगा कम दे रही है। नहीं भाई मैंने डलवाया था 6,000 का डीजल, अभी भी 150 की रेंज दिखा रही है और अभी 5,000 में फिर से फुल हो गई। बाकी जी फुल टैंक करा के ना जो दिखा रहा है रेंज वो दिखा रहा है क्लोज टू 750 की। तो भाई 750 किलोमीटर अब कोई टेंशन नहीं है, और जम्मू में जैसे ही पहुँचेंगे ना आधी सिम बंद हो जाएंगी, क्योंकि भाई जिसकी प्रीपेड है वो जाएगी सिम डेड थोड़ी बहुत देर के लिए जब तक हम जम्मू में रहेंगे, और जिनका पोस्टपेड है वो चलेगा बढ़िया। मेरे पास एक पोस्टपेड सिम है और एक प्रीपेड सिम है, चला लेंगे गाइस हम काम अपना बढ़िया। बाकी यार कसम से मतलब ये जर्नी ना बड़ी अच्छी जा रही है यार, बड़ा सुकून है, गाड़ी में घूम रहे हैं, सेफ हैं, धूप नहीं है, आराम से लेटे पड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पीछे एंड तक सामान भरा हुआ है। और ये तो भाई 7-सीटर है। अभी ना बहुत क्विकली प्लान बना था हमारा, लास्ट मोमेंट तक ना बाइक पे जाने का प्लान था, लेकिन रातों रात प्लान चेंज हो गया, रातों रात प्लान चेंज हो गया, वरना अपनी पूरी गाड़ी को ना लोड करके लेके जाते सारे भाइयों से। बट कोई बात नहीं गाइस, अगला ट्रिप जो होगा गाड़ी पे ही करेंगे, लेकिन इसको जो लोड कराएंगे ना भाई, जाते पहले तो इसकी सर्विस कराते हैं बढ़िया, एक और गाड़ी की सर्विस हो रही है लेकिन फिर भी हम सर्विस कराएंगे गाइस गाड़ी की ना। सो गाइस होता पता क्या है कि अब देखो चीज़ अपनी हो चुकी है, तो इसे अपने हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा ना एक एक चीज़ें, तो एक बार बढ़िया से खुलवाएंगे सारी चीज़ें, क्लीन कराएंगे अंदर से, डीप वाली सर्विस कराएंगे, और तो क्या ब्रेक पैड्स टायर बैटरी वगैरह सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन टायर का साइज़ अपग्रेड करने का मन है। तो जब इसकी किट लगेगी ना, कौन से वाली आपको पता ही है, जब वो किट लगेगी तो शायद से अलॉय व्हील्स वगैरह वाला कुछ गेम करेंगे, बट देखते हैं, वो थोड़ा सा ना अभी टाइम लेगा 5-7 दिन। बट हाँ सबसे पहले जाते ही इंटीरियर के ऊपर फोकस किया जाएगा, और एक म्यूज़िक सिस्टम भी है जो उसमें शायद से डाला जाएगा, जो लगा दिया तो भाई आतंक मच जाएगा गाड़ी के अंदर। चलो जी आज के दिन का पहला टॉल आ चुका है, अपने फास्टैग को हम ऐसे प्लेस कर देते हैं गाइस, गाड़ी को स्लो चलने देंगे, चल जाओ गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। हाईवे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, खाली खाली एकदम, बाकी इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करूँगा गाइस आज एक बार ना, जम्मू वाले रोड पे आते हैं भाई बड़े सही सही स्ट्रेच ना, खाली खाली जहाँ पे इसकी फुल पोटेंशियल इतनी सी टेस्ट कर सकते हैं हम इतनी। देखो फुल तो मैं कभी आज तक मैंने आरआर की नहीं करी, इसकी भी नहीं करूँगा, बट देखो कहाँ से कहाँ आते हैं। देखो जी देखो, नज़र हटी और दुर्घटना घटी गाइस। सो गाइस कुछ लोगों के दिमाग में होता है ये, लेकिन आज तो रोड पे भी दिख गया हमें भूसा गाइस, भूसा, यस गाइस टू मच, बहुत सारा भूसा, बहुत सारे लोगों को काम आ जाएगा गाइस ये। एक ट्राला ये रहा बड़े वाला, एक ट्राला ये रहा गाइस, टू मच भूसा अगेन, एंड गाइस अगेन थ्री मच भूसा हो गया गाइस, क्योंकि ना तीन ट्रक है गाइस। गाइस आप मेंशन कर सकते हो या इसको आप शॉर्ट्स पे डाल सकते हो, और बताना कौन है वो दोस्त जिसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। हमारे भी एक दो दोस्त हैं ऐसे ही। इधर क्या देख रहे हो? है बस बाइक कर लिए, स्कॉर्पियो वाले और डिफेंडर वाले भगा रहे थे, लेकिन आज डिफेंडर के साथ साथ फॉर्चुनर भाग रही थी, और 13-14 किलोमीटर का फर्क आ गया स्कॉर्पियो में। तो भाई अब टॉल आ रहा है आगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे उनको, कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे। यार ये कितने सीसी है, मेरे को नॉलेज नहीं है। 3,000। ये 3,000 सीसी डिफेंडर? 2,000। ऐसा थोड़ी होता है, पेट्रोल है वो। सच बता भैया, कैसे शेड लगा रहे हो यार गाड़ी के अंदर आप? पहुंच जाएंगे अभी, वेट कर लेते हैं, माना करो तुम इतनी तेज चला रहे हो आमिर भाई गाड़ी, वो नहीं पकड़ पा रहे भाई तुम लोग। नई नई गाड़ी का प्यार उधर, वेस्ट ना करो, शीशे क्लीन कर लिए हमने। नहीं मैं तो करता हूँ मेहनत भाई, मैं बोलता हूँ मजे वाली। और देखो पानी से नहीं स्पेशल क्या रखा है,
ये होती बात, ये होता प्यार बाइकों से, अपनी गाड़ियों से। तो जी जम्मू है 88 और श्रीनगर अंडर 300 किलोमीटर, और अपना यहाँ से हमारे मेरे को लगता है कि नेटवर्क उड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो भाई नेटवर्क नहीं आ रहे फ़ोन में। आगे एक टॉल आता है जितना मेरे को याद है, फिर उसके बाद से ना बड़ा इशू आ जाता है। और मेरे को ना एक चीज़ और भी याद है, राइट साइड में ना एक छोटी सी आपको दुकान दिख रही होगी, वहाँ पे से मैं निकला था, और यहाँ पे ना मेरी जो प्रीपेड वाली सिम थी उसके नेटवर्क आए थे, तो मैंने यहाँ पे रुक के सिम डाली थी। तो नेटवर्क कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, बोला हिसाब है यहाँ पे। अभी वैसे पोस्टपेड भी नहीं चल रहा हमारा, पोस्टपेड से कनेक्टेड है हमारा ये वाला, बट पोस्टपेड भी नहीं चल रहा अभी। चलो जी, यहाँ से हम लोग एंटर हो जाएंगे JNK में। सो इसे वो कहते हैं गेटवे ऑफ JNK। शायद से गाड़ी भी चेक होगी या नहीं होगी। कुणाल भाई टॉल कटेगा या नहीं कटेगा, अभी याद कर रहा हूँ। टॉल तो कटेगा, टॉल कटेगा, आगे कटेगा। और अभी तो टनल भी आएगी बहुत ब्यूटीफुल वाली। एंड जी यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं JNK में। बाकी यार पता नहीं, देखना जट भैया के डिफेंडर के पीछे जो फावड़ा है उसके पीछे ना एक बोतल टंगी हुई है यार। पता नहीं यार कैसे कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा भाई का। ये है कि पानी भरो, मिट्टी गीली करो, खुदाई शुरू करो। देख रहे हो गाइस बोतल दिख रही है नीली नीली, ये देखो जी, ये देखो भाई। जैम दे दे यार, जैम दे दे, या कोई चॉकलेट दे दे। चॉकलेट मिल सकती है, चॉकलेट दे दे यार। 5 स्टार दे दे यार, 5 स्टार खिला दे यार। ये निकले भाई सेवी भाई अपने 10 रुपए भाई, ये क्रेडिट पे दे दे, कोई बात नहीं, तेरे क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार दूंगा तेरे लिए ना मैं भाई, चिल्ड है कसम से। सो भाई पीछे पुलिस खड़ी है, हमें रोक लिया चेकिंग के लिए। भाई साहब पूरी खतरनाक चेकिंग चल रही है, बढ़िया लेवल पे गाड़ी जाड़ी रोक के वीडियो बना रहे हैं भाई, पूरी चेकिंग, डिग्गी शिक्की भी खोल ली अपनी गाड़ी की। सो जी हमें रोक लिया गया था चेकिंग के लिए, एंड डिग्गी वगैरह चेक करी, प्रॉपर वीडियो साहब बनाई, कह रहे थे जो भी SHO साहब हैं यहाँ के, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जब तक इलेक्शन है तब तक हर गाड़ी की रोक रोक के चेकिंग, जो थोड़ी सी अलग दिख रही है। अब तीनों गाड़ियाँ रोक ली हमारी, वैसे स्कॉर्पियो नहीं रोकी, डिफेंडर और फॉर्चुनर को रोका बस भाई। फिर से डिफेंडर को रोक लिया चेकिंग के लिए, फिर से इसकी डिग्गी खुल रही है भाई। बार बार हमारी गाड़ियों को पुलिस रोक रही है बार बार, इतनी भी हमारी गाड़ी अनोखी नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा चटाक कलर वाली डिफेंडर, इसको बार बार रोक रहे हैं। फिर ये रुकती है साथ में, हमें भी रोक लेते हैं। दूर से पता चल रहा है कि भाई कोई बड़ा ग्रुप जा रहा है गाड़ियों का, अभी ना रुके हैं। एंड मीटअप वाली लोकेशन ना यहाँ से 1 घंटा दूर है, टाइम अभी दोपहर का और है, भूख लग रही है, और लंच के लिए हम रुक नहीं सकते, इसलिए एक दुकान है यहाँ से ना हम चिप्स वगैरह बेसिक ले लेते हैं गाड़ी में खाने के लिए। हल्की हल्की भूख लग रही है, मंचिंग के लिए मामला सेट हो जाएगा ना। आजा भाई चिप्स चुप्स ले लेना। सो जी जम्मू का जो वेदर है ना आज भाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हल्का सनी है, बट भाई आगे जो व्यू है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। डाउन हिल पे हम हैं, नीचे उतर से जा रहे हैं, और चंद मिनटों में, जस्ट 5 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। 5.3 किलोमीटर्स रह गया गाइज रास्ता। अभी ना कमल भाई को कपड़े चेंज करने थे, तो इसलिए हम ना एक बार आगे ब्रेक मारेंगे, वो कपड़े शपड़े चेंज कर लेंगे, क्योंकि मीटअप है ना गाइज, मीटअप पे आप भाई लोगों से मिलना है हम सबको, तो बढ़िया सी कोई लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे हम रुक के कपड़े चेंज कर सकें। एंड जी पहुँच चुके हैं अपनी आज की मीटअप लोकेशन के ऊपर, और अब बस गाड़ी लगानी है। चलो जी निकलते हैं यहाँ से और करते हैं मीटअप इंजॉय अपना बढ़िया से। थैंक्स। समीरन का गिवअवे कर दे, समीरन का गिवअवे। मुबारक नहीं करेंगे राहुल खन्ना, आप भी करना हो राहुल खन्ना। आ गया तैयारी भाई बहुत बढ़िया गया हमारा मीटअप। सो भाई मीटअप से हम निकल चुके हैं वापस, बहुत सारी फोटो खींची, भाइयों से मिले, इतना अच्छा लगा ना यार, इतना अच्छा लगा कि आपको क्या ही बताऊं। और सच्ची बहुत अच्छा लगता है यार जब नए नए भाइयों से मिलते हैं और नए नए फेसेस देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आमिर भाई यहाँ खड़े थे, हमें गाइड कर रहे थे, यू टर्न लेकर आएंगे, फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे एंड वापस आएंगे। होटल हमारा यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। एंड जी पहुँच चुके हैं अपने आज के स्टे पर,
सो टाइम हो रहा है शाम के 7:30। भाई आज ना थोड़ा जल्दी डे रैप अप हो गया, ज़्यादा बड़ी ड्राइव थी नहीं। और ये सेम ना वही होटल है जिस टाइम पे मैंने लद्दाख किया था ना फर्स्ट टाइम अपनी आरआर को लेते। ओ भाई तेरे को पता है मैंने अपनी आरआर पे जब फर्स्ट कोई ट्रिप करा था तो मैं इसी बेल्ट पे आया था, ठीक है, लद्दाख तो इधर ही रुका था। ले फॉर्चुनर में भी आया, इस होटल में आ गया, नई आरआर और नई फॉर्चुनर लेके। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यहीं रुके थे। लेकिन उस टाइम पे वाईफाई नहीं चल रहा था यहाँ पे, मेरे को सब याद है भाई, सब याद है। तो भाई आपको देते हैं अपना रूम टूर। तो जी इस होटल में आज से 1 साल के अराउंड पहले मैंने स्टे किया था, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। यहाँ से ना बड़ा प्यारा व्यू आता है बालकनी से। अभी खुली है या बंद है ये देख लेते हैं, खुलती कैसे है। अच्छा लॉक है, आई थिंक अनलॉक करवानी पड़ेगी। बट हाँ जी बाहर से जो रोड का व्यू आता है ना बड़ा प्यारा आता है। तो जी इस वाले हाईवे से अभी हम आए थे, गाड़ी हमने लगाई थी यहाँ पे, और इस वाले हाईवे से अब हम निकल जाएंगे दिल्ली, आगे से लेफ्ट लेके। बाकी जी कुछ ऐसा था हमारा आज का अमृतसर से जम्मू तक का सफ़र। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ज़रूर से बताना, मतलब ज़रूर से बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो यार आप लोगों का प्यार चाहिए होता है भर भर के। सच्ची बोल रहा हूँ, घर पहुँचेंगे आतंक बचा देंगे यार अपनी गाड़ी के अंदर, मतलब इतना कुछ करना ना कि भाई मज़ा आ जाएगा। सोच सोच के अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। अगर अच्छा लगा व्लॉग, बुरा लगा व्लॉग, क्या काम कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आपसे मिलेंगे गाइज अगले व्लॉग में, टिल देन रब रखा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।